भाई बहन के पवित्र रिश्ते की डोर का प्रतीक है रक्षाबंधन, एक ऐसा धागा जो दो जनों को स्नेह के बंधन से बांध देता है। यूं तो इस पावन पर्व को मनाने हेतु प्रत्येक धर्म में अपनी ही एक मान्यता है, तो ऐसे में सनातन धर्म में इस पर्व से जुड़ी अनेकों कथाएं हैं, जिनमें से एक प्रचलित कथा महाभारत काल से जुड़ी है, जिसके अनुसार एक बार भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से गलती से कट गई थी। यह देखकर द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर चोट पर बांध दिया। तब भगवान कृष्ण उनके हाव भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन दिया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह वादा तब पूरा हुआ जब द्रौपदी को हसीनापुर के शाही दरबार में सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा। रक्षाबंधन प्रेम और स्नेह का पर्व है, जिसे हर कोई धूमधाम से मनाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस पर्व के दौरान भी शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व है। अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो रिश्ते बिगड़ने में देर नहीं लगती। ऐसे में इस वर्ष दिनांक 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से रात्रि 9:07 के मध्य होगा। इस दिन प्रातः स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम भगवान की पूजा करें, फिर एक थाल में रोली कुमकुम रखकर उसमें दीप जलाकर रंग बिरंगी राखियों को रखें। भाई को राखी बांधने से पूर्व एक रक्षा सूत प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करें और इसके बाद शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिठाते हुए उनके माथे पर कुमकुम रोली एवं अक्षत से तिलक करके भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत बांधे। अपने हाथ से मिठाई खिलाकर भाई का मुंह मीठा कराएं और अपने भाई के लिए मंगल कामना करना ना भूले। इस रक्षाबंधन इन बातों का ध्यान जरूर रखे। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।